कल हमने पढ़ी थी रिसर्च टेक्नोलॉजीज, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं ह्यूमन ब्रेन और बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। अब हमारे पास हैं रिसर्च स्ट्रेटजीज़। अगर हम वो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ नहीं कर पाते, डेफिनेटली हम एज अ साइकोलॉजिस्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने उनको इन डेप्थ स्टडी नहीं किया, तो हमारे पास क्या स्ट्रेटजीज़ हैं कि हम ब्रेन इंजरी की स्टडीज़ करें, जो वो लोग जिनकी ब्रेन इंजरीज हो चुकी हैं उनकी बिहेवियर को हम एनालाइज करें, स्प्लिट ब्रेन स्टडीज़ करें या फिर ट्विन स्टडीज़ कर सकते हैं। अब इसमें ब्रेन इंजरी स्टडीज़ क्या है, इसमें हम जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज होती हैं उसको उनके उन लोगों के किस तरह के फंक्शंस हैं और उनके किस तरह के ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं और वो ब्रेन के स्ट्रक्चर्स इंजर्ड होने के बाद या डैमेज होने के बाद किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, हम बेसिकली इसमें उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, चिल्ड्रन हु सफर दीज टाइप्स ऑफ इंजरीज ऑफन हैव एनफ न्यूरोप्लास्टिसिटी फॉर देयर ब्रेन टू रीऑर्गेनाइज एंड कंपनसेट फॉर द फंक्शन ऑफ लॉस्ट स्ट्रक्चर्स। जो छोटे बच्चे होते हैं और इस तरह की इंजरीज जो लोग फेस करते हैं उनके अंदर फिर भी काफ़ी हद तक ये एबिलिटी होती है कि वो रीऑर्गेनाइज कर सकें अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी को, क्योंकि उनमें अभी ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो हो सकता है कि उनके जो फंक्शंस लॉस हो चुके हैं या जो स्ट्रक्चर उनका लॉस हुआ है वो किसी और तरह से कंपनसेट हो जाए। लेकिन जो हमारे एडल्ट्स होते हैं अगर हम उनको स्टडी करें और वो TBI एक्सपीरियंस करें तो उसमें हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से रीऑर्गेनाइज या डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि वो एडल्ट्स का ब्रेन ऑलरेडी डेवलप हो चुका हुआ होता है। अगर वो अब डैमेज होगा तो वो डैमेज ही होगा, हम उसमें न्यू वायरिंग डेवलप नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज़ द ब्रेन इंजरी स्टडीज़ के ब्रेन इंजरीज अगर चिल्ड्रंस में या एडल्ट्स होते हैं एडल्ट्स में होती हैं तो क्या हो सकता है। अब पेशेंट्स जो जिनको इस तरह की इंजरीज होती हैं हम उनको क्या करते हैं, हम उनको डिफरेंट टास्क देते हैं परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, उन पेशेंट्स को हम डिफरेंट टास्क देते हैं कि वो उनको परफॉर्म करें। अब उनमें क्या क्या टास्क हो सकते हैं, उनकी मेमोरी से रिलेटेड हो सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ करना है, मोटर कंट्रोल मतलब मूवमेंट किस तरह से करनी है, और जो भी उनके अदर कोई भी फंक्शंस हैं जो हमारी रिसर्च से रिलेटेड हैं या हम जिसमें रिसर्च करने में इंटरेस्टेड हैं हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और इस तरह से क्या होगा कि रिसर्चर इवेलुएट कर सकेगा उनकी परफॉर्मेंस को इन कंपैरिजन टू कंट्रोल्स। ठीक है, कि वो लोग जिनको ब्रेन इंजरी नहीं हुई वो इस तरह के टास्क को किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और वो जिनमें ये TBI है, जो TBI सफरर्स हैं, वो किस तरह से इन टास्क को परफॉर्म करते हैं, तो इस तरह से वो कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होती हैं, बहुत ज़्यादा हमें ब्रेन इंजरी के पेशेंट्स नहीं मिलते, लेकिन जो स्टडीज़ होती हैं तो उनको अगर कंडक्ट किया जाए तो वो काफ़ी लार्जर स्केल पे उनको कंडक्ट किया जाता है, और इसमें सेम इंजरी में बहुत सारे लोग जो हैं उसमें हम इन्वॉल्व होते हैं इस तरह की स्टडीज़ में। ठीक है, अब इस तरह की स्टडीज़ करने का फ़ायदा क्या होता है, इससे जो रिसर्चर्स होते हैं उनको ये आइडिया मिल जाता है कि कौन से स्पेसिफिक फंक्शंस वो वाला ब्रेन का एरिया कंट्रोल कर रहा था जहाँ पे डैमेज हुआ है, और अब उस डैमेज के बाद वो इस फंक्शन को सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। कौन से टास्क जो हमने ऊपर डिस्कस किए, हमारी कॉग्निशन से रिलेटेड कोई भी टास्क अगर हम उनको देंगे तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अब अगर हमें ब्रेन इंजरी के पेशेंट्स नहीं मिलते हैं लेकिन हम ये चीज़ चेक करना चाहते हैं कि ब्रेन और बिहेवियर का क्या लिंक होता है आपस में, तो हम फिर इस तरह की जो स्टडीज़ हैं वो उसमें हम नॉन ह्यूमन एनिमल्स को इंक्लूड कर लेते हैं। नॉन ह्यूमन जो एनिमल्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, क्रिएट लेसन्स। अब ये लेसन्स क्या होते हैं, ब्रेन के किसी पार्ट को रिमूव कर देना या डैमेज कर देना। एनिमल्स पे जो रिसर्च की जाती है वो इस तरह की जाती है कि उसमें लेसन्स क्रिएट किए जाते हैं, मतलब ब्रेन को डैमेज किया जाता है या उसके ब्रेन के किसी पार्ट को डैमेज किया जाता है या किसी पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो भी हमने पार्ट रिमूव किया उससे कौन सी स्पेसिफिक अप्रोच थी इस एनिमल की, जो अब इनहिबिट हो गई है, लिमिटेड हो गई है, या फिर अब वो बहुत स्लो हो गई है या बिल्कुल भी नहीं हो रही। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली स्टडीज़ साइकोलॉजिस्ट कर लेते हैं, ये वाली नॉन ह्यूमन्स पे। लेकिन शर्त ये है कि उनको ब्रेन के स्ट्रक्चर्स का पता हो कि ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। ठीक है, उसका इनडेप्थ नॉलेज उनको होना चाहिए, अदरवाइज ये भी डॉक्टर्स ही करके बताएंगे।
लेकिन हाँ ये ह्यूमन और जो एनिमल्स होते हैं उनके ब्रेन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और हम एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करके जो भी एनालिसिस निकालते हैं, हमारा जो भी कंक्लूजन होता है, हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते सारी ह्यूमंस के ऊपर, ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड अप्रोच है वो है स्प्लिट ब्रेन स्टडीज। स्प्लिट ब्रेन स्टडीज क्या होती है, हमारे दो एक थिक बंडल होता है नर्व्स का, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम क्या करता है, ये हमारे जो टू हेमिस्फेयर्स होते हैं ना ब्रेन के, उनको आपस में कनेक्ट करता है। अब इसका क्या मतलब है कि अगर एक मैसेज किसी एक हेमिस्फेयर तक जा रहा है तो उसको एक रिकग्नाइज करेगा, दूसरे तक पहुँचाएगा, तो दूसरा उसको बताएगा कि ये क्या मतलब है, एक समझ रहा है और एक एक्सप्रेस कर रहा है। तो अब जब हम ये कॉर्पस कैलोजम इस तरह की कम्युनिकेशन इन दोनों हेमिस्फेयर्स के दरमियान कनेक्ट करता है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारे एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा स्वेयर एपिलेप्सी होती है और बहुत फ्रीक्वेंट होती है, तो उनकी इस एपिलेप्टिक सीजर्स को या उसकी फ्रीक्वेंसी और स्वेरिटी को रिड्यूस करने के लिए हम इस कॉर्पस कैलोजम को कट कर देते हैं। जब कट कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं स्प्लिट ब्रेन स्टडीज़। अब हमारा ब्रेन दो हिस्सों में डिवाइड हो गया जब हमने कॉर्पस कैलोजम को कट किया। सो इससे क्या होता है कि इससे जो उनकी एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं उनकी काफ़ी हद तक इस प्रोसीजर से उनकी कंडीशंस को, उनकी सेवेरिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स को हम देखते हैं, वो देखने में आपको बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, किसी तरह की उनका पर्सनैलिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, वो चल ठीक रहे हैं, बात ठीक कर रहे हैं, बात को समझ ठीक रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर कम्युनिकेशन जो होती है ना इनकी दोनों हेमिस्फेयर्स के दरमियान, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। लेफ्ट हेमिस्फेयर कुछ और कहता है और राइट कुछ और कहता है, ठीक है। जैसे कल भी मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर हम आपको दिखाएं ना कोई चीज़ और आपको हाथ में पकड़ा दें, तो आपका जो एक हेमिस्फेयर है वो उसको अंडरस्टैंड तो करेगा, लेकिन आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे कि ये है क्या। अभी बेसिकली यही कम्युनिकेशन थी कि आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, सॉरी हेमिस्फेयर कह रही हूँ, आपका जो वनिक्स एरिया है वो स्पीच को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है या कम्प्रीहेंस करता है। हु कैन टेल, यस वनिक्स एरिया कम्प्रीहेंस करता है, अंडरस्टैंड करता है। तो जब हम उसको कट कर देंगे तो वो उसको अंडरस्टैंड तो कर पाएगा, ठीक है। तो जो स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स होते हैं उनमें अगर हम वर्निक्स और ब्रोकास एरियाज को ही ले लें तो वो हम उसको दिखा नहीं रहे, क्योंकि अगर वो देखेगा फिर तो वो बोल लेगा, उसके समझने की ज़रूरत ही नहीं है, उसने ऑलरेडी चीज़ें देखी हुई हैं तो, और उसकी मेमोरी भी डिवेल्प हुई हुई है उसके अकॉर्डिंग। अब क्या होगा, हमने उसको दिखाया नहीं है, उसको बस हमने छुपा के उसके हाथ में कोई चीज़ पकड़ाई है कि ये बताएं इसका नाम क्या है। अब उसको समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, लेकिन वो कम्युनिकेशन उसके वर्निक्स एरिया से उसके ब्रोकास एरिया में नहीं जा रही, तो अब क्या है वो उसका नाम नहीं बता सकेगा। तो बस ये इतनी सी इन लोगों को डिफिकल्टी होती है, ठीक है। विजन तो वर्क कर रही होती है लेकिन उसको देख के वो चीज़ें बता देते हैं, लेकिन वो जो आपस में कनेक्शन है ना इन दोनों हेमिस्फेयर्स का, वो नहीं हो पाता। क्लियर द पॉइंट, ओके। तो ये हो गए हमारे पास स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स कि किस तरह से हेमिस्फेयर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते या उनकी कम्युनिकेशन काफ़ी लिमिटेड होती है, हो जाती है, लेकिन ये पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, देखने में फील नहीं होता कि इनका ये ऑपरेट हो चुका हुआ है। अब ये जो रिसर्च थी ना स्प्लिट ब्रेन वाली, ये जो सबसे पहले इसके जो पायनियर्स हैं उनका नाम है रोजर स्पेरी एंड मिकेल गैजेनिगा, ठीक है। ये इनके नाम से जिन्होंने ये रिसर्च की थी स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स के ऊपर, रॉजर स्पेरी एंड मिचेल गैजेनिगा। तो अंग्रेज़ों के नाम बड़े मुश्किल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की थी, लेकिन ये जो स्प्लिट ब्रेन है इसको ये सबसे ज़्यादा फेमस टेक्निक है जो आज तक हम स्टडी कर रहे हैं।
अब इसके बाद क्या होता है हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल ऑर्गेनाइजेशन। इस टर्म को आपने याद रखना है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है सेरिब्रम का, वो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है हमारे कंट्रोल से, मतलब राइट साइड से, बॉडी की राइट साइड से इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, और जो हमारी लेफ्ट साइड है बॉडी की उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है कौन, हमारा राइट हेमिस्फीयर। तो इस तरह की ये जो कम्युनिकेशन है इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब हेमिस्फीयर का एक पार्ट बॉडी के दूसरे उलट पार्ट को, ऑपोजिट पार्ट को डिटेक्ट करता है और उसको कंट्रोल करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि क्या मतलब है। लास्ट मैंने बता दिया था कि किस तरह से कौन सा बॉडी का पार्ट कौन सा हेमिस्फीयर कंट्रोल कर रहा है। मरियम कह रही हैं कि ब्रेन तो बहुत डेलिकेट पार्ट है, तो जब उसे स्प्लिट करेंगे तो क्या बंदा बच जाएगा। हम पूरे ब्रेन को नहीं स्प्लिट करते, हम जस्ट कॉर्पस कैलोजम, एक छोटी सी कनेक्टिंग टाइप वायर होती है, जस्ट उसको कट करते हैं। बस पूरा ब्रेन कट करेंगे फिर तो जाहिर है बंदा नहीं बचेगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट वो कॉर्पस कैलोजम को कट करते हैं, बस नथिंग एल्स। अब ये जो लेटरलाइज्ड, मरियम नीम कह रही है कि ये भी काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन इस तरह का ऑपरेट ज़्यादातर किया नहीं जाता। एपिलेप्टिक के पेशेंट्स को कभी आपने देखा है कि उनका कोई ऑपरेट हुआ हो, बहुत पहले करते थे या हो सकता है फॉरेन में करते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में नहीं करते। ख़तरनाक है, डेफिनेटली है, क्योंकि आपको वो एक कट करने के लिए भी तो पूरा स्कल ओपन करना पड़ेगा ना। ओके, तो अब ये क्या हुआ कि ये जो स्प्लिट ब्रेन हुआ था ना, ये जो भी हमने स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स की स्टडी की, तो बेसिकली इसका मकसद भी यही था कि ये जो लेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हेमिस्फीयर की, हम इसको स्टडी कर सकें, इसके फंक्शंस को स्टडी कर सकें। तो जो लेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या लेटरलाइज्ड फंक्शंस हैं या फिर स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स हैं, तो इनके बारे में अगर किसी भी रिसर्चर का नाम पूछा जाएगा तो वो यही दो रिसर्चर हैं, स्पेरी एंड गैजनिका। और यही वो लोग थे जिनको जो सेरिब्रम की लेटरलाइजेशन है और उनकी स्पेशलाइजेशन है इन दोनों हेमिस्फीयर्स की, इसकी बहुत अच्छे से सेंस थी या बहुत अच्छे से इन्होंने इसको अंडरस्टैंड किया था कि एक्चुअली ये किस तरह से काम कर रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्विन स्टडीज। हम ज़्यादातर ट्विन स्टडीज़ ही करते हैं, हम ना तो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, हम ना लेसन्स क्रिएट करते हैं। हाँ, इंजर्ड पेशेंट्स अगर मिल जाएँ तो उनको स्टडी कर लेते हैं, लेकिन हम स्प्लिट ब्रेन स्टडीज़ नहीं करते, हम ट्विन स्टडीज़ ज़्यादा करते हैं। अब इसमें ट्विन स्टडीज़ में क्या होता है, लेकिन हम लोग वैसे ही इतने वो हैं, नालायक हैं कि हम ये काम भी नहीं करते। ठीक है, तो ट्विन स्टडीज़ में क्या होता है, जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है ये बेसिकली ब्रेन के ऊपर ज़्यादातर फोकस नहीं करती, लेकिन जो हमारी साइकोलॉजिकल ट्रेड्स हैं या फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स हैं, हम इनको अगर हम ब्रॉडली आइडेंटिफाई करना चाहें तो हम ट्विन स्टडीज़ करते हैं कि जेनेटिक्स का इसमें क्या रोल है। अब ये ट्विन स्टडीज़ में भी हमारे पास दो तरह के ट्विन्स होते हैं, एक को कहते हैं मोनोजाइगोटिक और दूसरे को कहते हैं डाईजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक को हम आइडेंटिकल ट्विन्स भी कहते हैं, ठीक है, मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विन्स, और डाईजाइगोटिक को हम फ्रेटर्नल भी कहते हैं। फ्रेटर्नल, ये टर्म आपने याद रखनी है, प्रेटर्नल मीन डाइजाइगोटिक, आइडेंटिकल मीन मोनोजाइगोटिक, दो तरह के ट्विन्स होते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स का मतलब क्या होता है कि ये जो आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, ये 100% जो जीन्स होती हैं उनको शेयर करते हैं। जैसा एक बच्चा कर रहा है उसका दूसरा सिबलिंग भी सेम वही बिहेव कर रहा है, दोनों में सेम 100% सेम जीन्स हैं। और डाईजाइगोटिक ट्विन्स जो होते हैं ये सिर्फ 50% अपनी जीन्स का आपस में शेयर करते हैं, मोस्टली इनकी कुछ ट्रेट्स डिफरेंट होती हैं आपस में इन ट्विन्स की। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम इनका कंपैरिजन करते हैं, ज़्यादातर हम आइडेंटिकल ट्विन्स और
फ्रेटर्नल ट्विंस को हम एक कंपैरिजन स्टडीज़ के अंदर रखते हैं। यहाँ पे हम इन दोनों ट्विंस को अलग अलग कर देते हैं ताकि हम उनकी स्टडी कर सकें। अब आइडेंटिकल ट्विंस को सबसे पहले हम इकट्ठा रेज करेंगे, फिर आइडेंटिकल ट्विंस को हम एट द टाइम ऑफ बर्थ ही हम उनको सेपरेट कर देंगे और एक सेपरेट फैमिली और सेपरेट इन्वायरमेंट में हम उनका ब्रॉटअप करेंगे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि उनकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या उनके जेनेटल फैक्टर्स पे कुछ असर करते हैं, क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का कुछ असर होता है कि उनके जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो पीछे रह जाएं। अब ये जो हमारी जो कंपेयर्ड आइडेंटिकल ट्विन्स स्टडीज थी जो सबसे पहले की थी वो किसने की थी, वो एक साइकोलॉजिस्ट थे थॉमस बॉचर्ट, इन्होंने और इनके कोलीग ने की थी। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में की थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में साइकोलॉजिस्ट थे थॉमस बॉचर्ट, इन्होंने कंपेरेटिव स्टडी की थी आइडेंटिकल ट्विन्स के ऊपर। आइडेंटिकल ट्विन्स ऐसे थे कि उनको एक ही जगह इकट्ठे भी उन्होंने ब्रॉटअप किया और उनको सेपरेट भी ब्रॉट किया, और उससे जो रिजल्ट सामने आए वो ये थे कि जेनेटिक्स का बहुत ही पावरफुल रोल होता है बिहेवियर को शेपअप करने में, उनकी पर्सनालिटी को और उनकी इंटेलिजेंस को शेपअप करने में, लेकिन जो इन्वायरमेंट होता है वो भी अपना एक कंसिडरेबल रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। अब उन्होंने ये जो इन्वायरमेंट का कंसिडरेबल रोल था वो उन्होंने उनके आईक्यू लेवल पे चेक किया। उनको ये स्टडीज़ करने से ये पता लगा कि जो हमारा आईक्यू लेवल होता है वो आइडेंटिकल ट्विन्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्रेटर्नल ट्विन्स। अब इसको वो इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आइडेंटिकल ट्विन्स को अगर इकट्ठे हम ब्रॉटअप करते हैं, उनको इकट्ठे रेस्ट करते हैं, तो उनका जो कोरिलेशन है ट्रेट्स का वो काफ़ी ज़्यादा हायर होगा उन बच्चों की निस्बत जिनको हम अलग अलग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ इन्होंने इस तरह की पर्सनालिटी ट्रेट्स और उनके बिहेवियर्स और डिफरेंट उनके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने इस तरह की स्टडीज़ की थी आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विन्स पे, उनको इकट्ठे ब्रॉटअप करके और उनको अलग से ब्रॉटअप करके, कि इनका इफेक्ट होता है लेकिन अगर जेनेटिक है तो जेनेटिक का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अब इसके बाद है हमारे पास हेरिडिटी, इन्वायरमेंट एंड एवोल्यूशन। इसमें आपको ऑलरेडी पता है कि एवोल्यूशन पे चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की बेस पे थ्योरी दी थी, और उसकी जो थ्योरी थी वो उसके कुछ फ्यू की आइडियाज थे। पहला था कि वेरिएशन होती है। वेरिएशन मीन द ऑब्जर्वेशंस दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज डिफर इन देयर ट्रेट्स, के हर इंडिविजुअल की ट्रेट्स डिफरेंट होती हैं, वो अपनी ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग उन ट्रेट्स को डेवलप करता है या फिर वो ख़त्म हो जाती हैं। सो एक तो इंडिविजुअल अपनी ट्रेट्स की बेस पे वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये वेरिएशन वेरी करती है या ट्रेट्स वेरी करती हैं। दूसरे नंबर पे है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में कहते हैं कि हम जो भी वेरिएशंस हो रही हैं उसको रिकग्नाइज कैसे करते हैं, रिकग्नाइजेशन दैट दीज वेरिएशंस इन ट्रेट्स कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। हमें ये भी एक उसकी की आइडिया था कि जो भी हम रिकग्नाइज करते हैं हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है, हमारी ट्रेट्स हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन वेरी कर रही होती हैं। उसके बाद उसकी जो थर्ड थी वो थी फिटनेस, द टेंडेंसी ऑफ सम वेरिएशन टू बी बेटर सूटेड टू ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट देन अदर्स। अब इनहेरिटेंस तो है, वेरिएशन भी है ट्रेट्स में, उसके बाद वो इनहेरिटेड भी है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, जनरेशन टू जनरेशन वेरी कर रहा है। उसके बाद अब उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव वही बंदा कर पाएगा जो उस इन्वायरमेंट के अंदर फिट आएगा, जो उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेगा। और नंबर फोर उसका था नेचुरल सिलेक्शन, कि ये एक प्रोसेस होता है कि क्योंकि सारे ही लोग एक दूसरे से ट्रेट्स में डिफरेंट होते हैं और वो नेचुरली सिलेक्ट होते हैं कि उन्होंने इस एक तो इस इन्वायरमेंट में फिट होना है या नहीं, दूसरा इन्होंने फर्दर जनरेशन डिवेल्प करनी है या नहीं, कि इनके फर्दर ऑफस्प्रिंग्स होंगे या नहीं, तो दैट इज़ द नेचुरल सिलेक्शन। ये हमारे डार्विन्स की थ्योरी के पॉइंट्स थे। इसके अलावा हम अडॉप्टेशन भी कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग द फैक्ट दैट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज चेंज ओवर टाइम टू बेटर अडॉप्ट टू देयर इन्वायरमेंट। तो ये जो हम अपने करेक्टरिस्टिक्स में या अपनी ट्रेट्स में अगर हम कोई चेंजिंग्स लेकर आते हैं ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को और बेहतर तरीके से अडॉप्ट कर सकें, तो हम उसको अडॉप्टेशन कहते हैं। नेचर वर्सेस नचर, अब ये आपको पता है
कि नेचर वर्सेस नचर का क्या मतलब है कि हमारे अंदर जो भी ट्रेट्स हैं वो या तो बायोलॉजिकल होंगी या फिर जिसको हम जेनेटिक्स भी कहते हैं या फिर हम उसको लर्न करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू. सो जो हम इनेट होंगी उसको नचर नेचर कहेंगे और जो हम इन्वायरमेंट से लर्न करेंगे उसको हम नचर करेंगे. और ये दोनों ही चीज़ें मिल के हमारे बिहेवियर को शेप अप करती हैं. एंड ठीक है, फर्दर बस ये हमारी थी स्टडीज़ जिनको हम डिफरेंट तरीके से किस तरह से रिसर्च स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं ब्रेन और बिहेवियर के रिलेशन को चेक करने के लिए. ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हमने देखा कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन अक्सर वेरी कर रहे होते हैं. अब ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स बेसिकली तब होते हैं जब एक बेबी डेवलप होना स्टार्ट होता है, उसकी एक जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी फॉर्मेशन का प्रोसेस जब स्टार्ट होना शुरू हो जाता है. जेनेटिक डिसऑर्डर्स बेसिकली तभी उसी वक्त ही ह्यूमन बॉडी के अंदर डेवलप हो जाते हैं. अब ये डिपेंड करते हैं जब जीन्स आपस में मिलती हैं तो उनमें से कौन सी जीन है जो डोमिनेंट हो जाती है. अगर वो डिसऑर्डर या डिजीज़ वाली जीन है वो डोमिनेंट हो गई है तो डेफिनेटली वो फिर एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. पहले दादा में, परदादा में, अबू में, नाना में, दादी में, अम्मी में, जिसमें भी है वो उनके ऑफस्प्रिंग्स में आगे से आगे ट्रांसफ़र होता जा रहा है. एक ही किस्म की जीन जो है वो डोमिनेंट हो रही है हर जनरेशन में, तो उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं. कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो डायरेक्टली इनहेरिटेड होते हैं या फिर इनहेरिटेड नहीं होते लेकिन जब उनकी फॉर्मिंग हो रही होती है, उनकी प्रोसेसिंग हो रही है, तो कुछ डिफेक्टिव जीन्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं. पेरेंट्स के अंदर नहीं होते लेकिन वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग्स में. मतलब उस तरह के डिसऑर्डर्स या उस तरह की डिजीज़ आपको पेरेंट्स में या उनके पीछे किसी भी फादर में नज़र नहीं आएगी. दैट मीन्स कि वो जीन उनमें डोमिनेंट नहीं थी, रिसेसिव जीन्स थी. ठीक है, लेकिन जब वो ऑफस्प्रिंग में वो ट्रांसफ़र हुई तो वो डोमिनेंट जीन बन गई. तो इस तरह से क्या होता है कि डिफेक्टिव जीन जो है वो पास होती है और ऑफस्प्रिंग में जाके वो प्रोमिनेंट या डोमिनेंट हो जाती है, तो फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी बनते हैं. उसको भी जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं. पीछे तो किसी को नहीं था तो इसको कैसे हो गया, लेकिन ये श्योर है कि ये डिसऑर्डर जेनेटिक ही होता है. बिल्कुल पेरेंट्स कैरियर होते हैं जीन्स के, लेकिन अब उस हम हर तरह की जो डिफेक्टिव और अच्छी जीन्स होती हैं, हम पेरेंट्स अक्सर दोनों तरह की जीन्स के कैरियर होते हैं. ठीक कह रही हैं मरियम. अब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि उनकी प्रेवलेंस क्या थी, वो किस तरह से अकर हुए, उसको डिटरमाइन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. क्योंकि पेरेंट्स तो कैरियर होते हैं और हम उनके फोर फादर सारे सभी कैरियर होते हैं, लेकिन ये डिसऑर्डर कहीं देखने में नहीं मिलता. लेकिन ये कहा जाता है कि ये डिसऑर्डर जेनेटिक ही होता है. ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो जो सबसे ज़्यादा कॉमन पूछे जाते हैं वो है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, फेनाइल केटोनूरिया जिसको हम PKU कहते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफीलिया. डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, अब यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि ये पेयर होते हैं, जीन्स के पेयर होते हैं हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं. अब यहाँ पर ये देखें 22 तक तो आपको सारे पेयर्स ठीक ठीक नज़र आ रहे हैं ऐसे ही है, लेकिन मतलब 2 की पेयरिंग होती है ना. अब यहाँ पर ये जो लेट मी सेलेक्ट अ पेन, यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ये जिसको मैंने सर्कल किया है 21, इसमें देखें कि ये 3 का पेयर है, 2 होने चाहिए थे ना, तो ये 3 हैं. ठीक है, इसको डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारा 21st पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, उसमें एक एक्स्ट्रा होता है, उसमें एक थर्ड मेंबर भी इंक्लूड हो जाता है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है. अब डाउन सिंड्रोम क्या है, इसको हम कंजेनिटल डिसऑर्डर कहते हैं. रेफर टू एट वन टाइम मोनोगोलिज्म आफ्टर द अपेयरेंस ऑफ इंडिविजुअल सो अफेक्टेड. इस तरह के चिल्ड्रन में आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज देखने में मिलेंगी. इसके अलावा इनमें विजुअल, हेयरिंग और हार्ट प्रॉब्लम्स भी देखने में मिलेंगी और उनकी अपेयरेंस भी कुछ इस तरह से होगी. तो हमारे पास है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक तो याद रखना है कि ये सिर्फ मेल्स में होता है. ठीक है,
इसमें जो 23rd हमारे पास क्रोमोसोम का पेयर होता है उसमें एक्स और वाई का बेसिकली ये पेयर होता है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने में आ रहा है कि एक एक्स एक्स्ट्रा है इसके अंदर, डबल एक्स वाई, ठीक है। अब एक्स किसको डिनोमिनेट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, ये फीमेल की जो भी हमारी करैक्टरिस्टिक्स होती है ना, ये बेसिकली फेमिनिन जो फीचर्स होते हैं उनको डिस्क्राइब कर रहा होता है एक्स क्रोमोसोम। अब क्योंकि इसमें डबल एक्स हो गया है और ये होता भी मेल्स में, इसका मतलब है कि इंडिविजुअल्स में जो मैस्कुलिन करैक्टरिस्टिक्स हैं वो उन करैक्टरिस्टिक्स को डेवलप नहीं कर सकेगा। हाँ, उनके अंदर फेमिनिन फीचर्स आपको देखने में मिलेंगे। किस तरह के फेमिनिन फीचर्स? सच एज एनलार्जिंग ऑफ द ब्रेस्ट एंड ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स। तो ये कुछ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ये चीज़ आपको देखने में मिलेगी। अब ये भी बेचारा एक्स क्रोमोसोम एक्सीडेंटली अटैच हो जाता है, उसका बेचारे का ऐसा कोई मकसद होता नहीं है, लेकिन अब हो गया है तो क्या कर सकते हैं। सो कीप इन माइंड, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल्स में होता है और जो 23rd क्रोमोसोम्स का पेयर होता है उसमें एक एक्स एक्स्ट्रा लग जाता है। जब एक्स एक्स्ट्रा लग गया तो उसमें फेमिनिन फीचर्स ज़्यादा इन्हांस हो जाते हैं। इसके अलावा इस तरह के जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के साथ जो पर्सन आते हैं उनमें अक्सर, बहुत ज़्यादा नहीं, उनमें अक्सर आपको रिटार्डेशन देखने में मिलेगी जो वर्बल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होती है, कि आपने वर्बली एक्सप्रेस करना है चीज़ों को तो वो उसमें थोड़े से रिटार्डेड होते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में अब आप अगेन देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा 23rd पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, इसमें जस्ट एक्स है, वाई है ही नहीं। अब जस्ट एक्स है तो वाई है ही नहीं, तो अब यहाँ पर इनमें क्योंकि वाई ही नहीं है तो दैट मीन्स कि ये सिर्फ अब फीमेल्स में होता है। यहाँ पर एक क्रोमोसोम मिस है। क्लाइनफेल्टर में क्या था, एक एक्स्ट्रा लग गया था, टर्नर सिंड्रोम में एक मिस होता है, मतलब जिसको होना चाहिए था वो भी नहीं होता। अब हमारे पास जो हमारी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अब जो इस तरह की फीमेल्स होती हैं टर्नर सिंड्रोम के साथ वो उसको डिवेल्प नहीं कर पाती। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट सेक्स हॉर्मोन्स एट पुबर्टी विल लीड टू अ मोर टिपिकल अपेयरेंस। तो इस तरह के जो इनकी जब पुबर्टी की एज होती है तो इनमें कुछ टिपिकल अपेयरेंस देखने में आती है और इनकी जो हाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, लाइक एवरेज हाइट होती है 143 सेंटीमीटर्स, और इसके अलावा कुछ खास ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं होती। इसके बाद है फिनाइल कैटेनूरिया। फिनाइल कैटेनूरिया PKU, जैसे हमने कल मेटाबॉलिज्म की बात की थी, हम जो भी फूड इनटेक करते हैं वो मेटाबोलाइज होता है और उसमें से डिफरेंट तरह की जो एनर्जीज हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं और डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक वो पहुँचाई जाती हैं। अब इसमें हमारे पास फिनाइल कैटेनूरिया PKU, ये भी एक इनबॉर्न एरर होता है मेटाबॉलिज्म का। इसका मतलब ये है कि हम जो भी डाइट्री प्रोटीन्स ले रहे हैं वो जो डाइट्री प्रोटीन्स ले रहे हैं उसमें फिनाइलएलानिन एक हमारे पास एक फैक्टर होता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फिनाइलएलानिन जो एंजाइम है ये इसको मेटाबोलाइज करती है हमारी बॉडी, फिनाइलएलानिन को हम कन्वर्ट करती है हमारी बॉडी किस में, ट्रायोसिन में। और ट्रायोसिन में जब इसको इसकी तोड़फोड़ होती है तो उसके अंदर ट्रायो मतलब तीन तरह के बॉडी के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या एंजाइम्स हैं या प्रोटीन्स हैं वो सारी प्रोड्यूस होती हैं और उनका नाम है डोपामीन, प्रोटीन्स एंड मेलानिन। अब ये तीनों प्रोड्यूस होती हैं और हमारी बॉडी तक पहुँचाई जाती हैं और इस सारी चीज़ों को हम कहते हैं फिनाइल कैटेनूरिया। अब ये फिनाइल कैटेनूरिया क्या होगा कि ये सारा जो फेनिलएलानिन है ये इसकी ये ब्रेक डाउन नहीं हो रहा ट्रायोसिन में, तो उसकी बजाय अब हमारे जिस्म में क्या बन रहा है, फिनाइल पाइरूविक एसिड। ये एसिड हमारी बॉडी में डेवलप होना शुरू हो जाता है। जब ये एसिड डेवलप होता है तो फिर हमारी बॉडी में जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बोन्स को, हमारे ब्रोटअप में, हमारे मसल्स में, वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो रही हमारी बॉडी की। अब इसकी एक ही हल है कि आप वो सारी डाइट जिसके अंदर प्रोटीन्स शामिल होती हैं वो आप डाइट नहीं लेंगे तो ही आप इससे बच सकते हैं। लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम PKU के पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करते तो उनके बच्चे अब किस तरह के होंगे।
हाँ, फिनाइलकेटोनूरिया में हम कह रहे हैं कि प्रोटीन डाइट को हम कम कर देंगे, लेकिन वो लेडीज़ जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। और जब उनको प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है और वो अनट्रीटेड रह जाते हैं, जाहिर है उन्होंने प्रोटीन डाइट को कंट्रोल नहीं किया, तो अब जब उनकी बेबीज जो बर्थ होंगी उसकी, अब वो किस तरह के होंगे, उनका बर्थ वेट काफ़ी ज़्यादा कम होगा, उनमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स आपको देखने में मिलेंगी, उनका हेड का साइज़ जो है वो काफ़ी स्मॉल होगा। और अगर जो हमारा हेड का या ब्रेन का साइज़ स्मॉल होता है, इसको हम कहते हैं माइक्रोसेफली, ठीक है। इसके अलावा उनके जो फेस होते हैं वो डीफॉर्म्ड होते हैं, तो इसे हम कहते हैं फेशियल डिसमॉर्फीज। और अगर हेड से रिलेटेड है तो माइक्रोसेफली। सो ये पीकेयू का ये एक है ड्रॉबैक कि अगर बॉडी हमारी प्रोटीन्स को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही, तो फिर उससे पीकेयू एक बीमारी है वो डेवलप होती है, जो इनबॉर्न ही एक एरर है हमारी बॉडी के अंदर, या जेनेटिक डिसऑर्डर है जो इस तरह से चलता रहता है। अब नेक्स्ट मैंने आपको साइन किया था कि आपने बताना है सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया क्या होता है। जल्दी से बताएं आप सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है। अच्छा जी, सिस्टिक फाइब्रोसिस ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इसको हम CF भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CF, सिस्टिक फाइब्रोसिस। इससे ज़्यादातर जो इस डिसऑर्डर से जो इफेक्ट होते हैं वो हमारे लंग्स होते हैं, पैंक्रियास, लीवर, किडनीज एंड इंटेस्टाइंस। तो इस जेनेटिक डिसऑर्डर से हमारे ये वाले मेजर एरियाज जो हैं वो इससे डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स में, इंटेलिजेंस में, ट्रेट्स में, पर्सनालिटीज में, इन चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं होता। ये फिजिकल एक एबनॉर्मेलिटी हमें देखने में मिलती है जो इंटरनल होती है, अपेयर नहीं होती। इसके बाद है हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि ये लोग या तो कलर को देख नहीं पाते, ठीक है, या फिर बहुत कम उनको ये कलर देखने में मिलते हैं। और ये बेसिक कौन से कलर्स होते हैं डे टाइम में, ये जो हम डिफरेंट कलर तरह के डिफरेंट टाइप्स के कलर्स देख रहे होते हैं, ये इनमें से रेड और ग्रीन, ये दो ऐसे कलर्स हैं जिनको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अगर कोई चीज़ रेड कलर की है तो उन्हें उसका कलर कुछ येलोइश टाइप नज़र आता है, अगर ग्रीन है तो भी उसको कुछ येलोइश टाइप ही नज़र आती है, ठीक है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस होता है कि आप डे टाइम में कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, कौन से कलर्स होते हैं रेड और ग्रीन, और अक्सर औकात कुछ लोगों में ब्लू कलर भी होता है कि ब्लू भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। अच्छा मैम, इसमें म्यूकस की ओवर प्रोडक्शन होती है जो कि इन्फेक्शन को लीड करती है। बिल्कुल, इसमें म्यूकस जो है उसकी प्रोडक्शन कुछ ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होते हैं हमारे पास लंग्स के, पैंक्रियाज के, लीवर्स, किडनीज और इंटेस्टाइंस के, ठीक हो गया। कलर ब्लाइंडनेस, इनएबिलिटी टू सी द डिफरेंस बिटवीन सर्टेन कलर्स। बिल्कुल, जो हम कलर ब्लाइंडनेस में जो मोस्टली कलर्स का अगर नाम पूछा जाता है कि कौन से कलर्स नज़र ये नहीं देख पाते कलर ब्लाइंडनेस वाले, तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई कलर नहीं नज़र नहीं आता, वो उनको रेड और ग्रीन कलर मोस्टली जो है वो नज़र नहीं आता, लेकिन अक्सर में ब्लू कलर भी हमें मिलता है कि ब्लू भी वो नहीं देख पाते, बट मोस्टली ग्रीन और रेड कलर। इसके बाद है हमारे पास हेमोफीलिया। हेमोफीलिया में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ जब ब्लीडिंग होती है तो कुछ क्या कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये एक सब्सटेंस होता है हमारे ब्लड में जिसको हम कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। जैसे ही कोई कट लगता है या डैमेज होता है हमारी बॉडी में, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स ब्लड के साथ मिलके ब्लड को काफ़ी ज़्यादा थिक कर देते हैं और वहाँ पे क्लॉट बना देते हैं। उस क्लॉट बनने के बाद ब्लीडिंग रुक जाती है, लेकिन जो हेमोफीलिया के पेशेंट्स होते हैं इनमें वो ब्लीडिंग नहीं रुक पाती, वो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो ब्लड के साथ मिलके क्लॉट नहीं बना पाते, ब्लड को थिक नहीं कर पाते, तो ब्लड काफ़ी थिन ही रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। सो उनको हल्का सा भी कट लगता है तो वो ब्लीडिंग नहीं रुकती, सो दैट इज़ कॉल्ड हेमोफीलिया। अब इसमें जो फैक्टर्स होते हैं जिसको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं, वो भी डिफरेंट होते हैं, ABC है उसको हम कहते हैं हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी और हेमोफीलिया सी। अब उसमें ये जो फैक्टर्स हैं ये भी बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, ऑलमोस्ट कोई रोमन नंबर्स में इनके फैक्टर्स के नाम लिखे होते हैं, लेकिन इतनी डेप्थ में नहीं जाना, बस हेमोफीलिया याद रखें कि इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो क्लॉट नहीं बना पाते और ब्लीडिंग नहीं रुकती। इसके बाद हमारा जो एक लास्ट टॉपिक रह गया है वो है न्यूरॉन्स की टाइप्स। हमने न्यूरॉन्स का पढ़ा बेसिक स्ट्रक्चर, इसकी 3 टाइप्स होती हैं वो आपने याद रखनी है। न्यूरॉन्स को हम क्लासीफाई करते हैं बाय शेप एंड बाय फंक्शन। तो अगर हम इनको बाय शेप देखें तो ये 3 तरह के होते हैं, और अगर हम इनको बाय फंक्शन देखें तो भी इनकी 3 टाइप्स होती हैं।
तो सबसे पहले हम इनको बाय स्ट्रक्चर देखते हैं कि अगर हम इनकी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन करें तो इसमें हमारे पास 3 प्रिंसिपल टाइप्स होती हैं न्यूरॉन्स की। सबसे पहले होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन ये आपको देखने में नज़र आ रहे हैं, इनको हम मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं, पायरामिड न्यूरॉन्स और पर्किंजी सेल भी कहते हैं हम इनको। तो ये सारी किसकी टाइप्स हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन की। अब ये मल्टीपोलर न्यूरॉन के बाद आता है हमारे पास बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन में भी आपको फर्दर दो तरह की टाइप्स मिलती हैं, एक को हम कहते हैं रेटिनल न्यूरॉन और दूसरे को कहते हैं ऑल्फैक्ट्री न्यूरॉन। मतलब बाइपोलर न्यूरॉन आपके रेटिना पर होते हैं या फिर ऑल्फैक्ट्री साइट्स पर होते हैं, जो चीज़ें आप देख रहे हैं ऑल्फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो ये वाले होते हैं बाइपोलर। उसके बाद है हमारे पास थर्ड टाइप यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन आपको ज़्यादातर टच और पेन से रिलेटेड जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उन वो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं मोस्टली। अब मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, इनका जो एक्सोन है, ये एक्सोन आपको नज़र आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। इसके ये जो डेंड्राइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, एक ही एक्सोन पे होते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ पे मिलते हैं आपको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसके अलावा ये स्केलेटल मसल्स और मोटर न्यूरॉन्स में भी आपको मल्टीपोलर न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स का वर्क भी करते हैं और ये स्केलेटल मसल्स में भी पाए जाते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन की बात करें तो बाइपोलर न्यूरॉन साइज में काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। इनका जो डेंड्राइट है वो सिर्फ एक ही होता है, एक ही डेंड्राइट होता है और एक ही एक्सोन होता है, ठीक है। डेंड्राइट ये जो आपको ये जो साइड पे इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस नज़र आ रही हैं इसको नहीं कहते, ये जहाँ से ये डंडी स्टार्ट हो रही है ना स्टेम लाइक, दैट इज़ बेसिकली दैट इज़ डेंड्राइट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डेंड्राइट एक ही होता है, आगे तो फ्यूज़ हो जाता है ना डिफरेंट ब्रांचेज में, लेकिन डेंड्राइट इसका बाइपोलर में एक ही होता है। एक एक्सॉन होता है इसका, फाउंड इन स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स। स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि साइट, स्मेल और हेयरिंग, ये वाले न्यूरॉन्स वहाँ पे आपको मिलेंगे अपना काम करते हुए। अगर आप ढूंढना चाहें तो इनको आप वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। उसके बाद है यूनिपोलर न्यूरॉन, है वेरी लार्ज एक्सॉन्स। इनके एक्सॉन्स काफ़ी लार्ज होते हैं और दो होते हैं डबल साइडेड, बाकी सब में हम देख रहे हैं कि वन सिंगल साइडेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो यूनिपोलर है इनके एक्सॉन्स काफ़ी लार्ज होते हैं, डेंड्राइट्स और एक्सॉन इनके फ्यूज्ड होते हैं, मतलब ये डेंड्राइट्स यहाँ पे इस तरह से एक ही मिलेगा आपको। इसकी सेल बॉडी जो है वो ज़रा एक साइड पर होती है, दरमियान में नहीं होती। और इस ये ज़्यादातर कहाँ पे मिलते हैं आपको? सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आगे आपको वहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद अगर हम इसकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखें तो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जिसको हम एफेरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया हुआ है पहले ही। इसके बाद इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, एसोसिएशन न्यूरॉन्स, ये क्या करते हैं कि जो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से सेंसरी न्यूरॉन से जितनी भी हमारी जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो सारी ये इंटर न्यूरॉन्स फाइंड करते हैं और उसको ब्रेन तक पहुँचाते हैं। ब्रेन से वापस ये इंटर न्यूरॉन उसको वापस मैसेज को रिसीव करते हैं और हमारी बॉडी तक पहुँचा देते हैं। और ये ज़्यादातर इंटर न्यूरॉन्स कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं? मेमोरी में, प्लानिंग में और लर्निंग में ज़्यादातर ये अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स, इन्हीं को हम एफेरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं जो हमारी बॉडी पे आके वापस इफेक्ट करते हैं, सो इनको भी हमने डिटेल में पढ़ लिया है। तो ये कुछ इस तरह से फंक्शनिंग होती है, सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं डेंड्राइट्स, फिर मैसेज आता है सेल बॉडी से होता हुआ, उसके बाद ये आता है इंटर न्यूरॉन में, इंटर न्यूरॉन वहाँ से मैसेज रिसीव करता है और वो मोटर न्यूरॉन की तरफ पहुँचा देता है। लेकिन यहाँ पे इंटर न्यूरॉन दरमियान में कनेक्ट भी करता है ब्रेन के साथ, ब्रेन से वापस मैसेज फिर इस इंटर न्यूरॉन में आता है और वो आपके मोटर न्यूरॉन की तरफ चला जाता है। मतलब सेंसरी से इंटर न्यूरॉन, इंटर से आपके ब्रेन तक और ब्रेन से वापस इंटर उसको वापस रिसीव करता है और आपके मोटर न्यूरॉन्स तक पहुँचा देता है। सो ये होती है कम्युनिकेशन न्यूरॉन्स के दरमियान। अगर रिफ्लेक्स सिस्टम है तो ये इंटर न्यूरॉन जस्ट स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा और वहीं से वापस आ जाएगा, ब्रेन तक पहुँचाएगा ही नहीं। न्यूरोट्रांसमीटर्स हमने पढ़ लिया कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ पे होते हैं, ठीक है, और इनका पर्पस क्या होता है, इनको क्यों स्टडी करते हैं? ताकि हम ह्यूमन बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। और इसमें बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमारी बिहेवियर में, लर्निंग में, स्लीप में, फील में और मेंटल इलनेस में अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं और मेंटल हेल्थ में भी। न्यूरोट्रांसमीटर्स फर्दर अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं, इन फर्दर इन डेप्थ अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ लें। उसके बाद हमारे पास होते हैं ग्लियाल सेल्स, न्यूरॉन्स, एक नर्व सेल्स होते हैं और दूसरे ग्लियाल सेल्स होते हैं। ग्लियाल सेल्स भी क्या होते हैं? ये इनको हम
न्यूरोग्लिया भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इनको हेल्पर या स्पोर्ट सेल्स भी कहते हैं, ग्लियल सेल्स को हम हेल्पर या स्पोर्ट सेल्स भी कहते हैं, और इनकी जो तादाद है वो न्यूरॉन से ज़्यादा होती है, ठीक है। ग्लियल सेल्स आर मोर देन द न्यूरॉन्स। इसके अलावा ये जो ग्लियल सेल्स हैं ये नॉन न्यूरल होते हैं, और ये कहाँ पे लोकेट करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी। अब इनका मकसद क्या होता है, ये हमारा जो न्यूरॉन्स के अंदर भी एक होम्योस्टेटिस एक एनवायरनमेंट होता है, उन सारे न्यूरॉन्स के दरमियान या उसके स्ट्रक्चर को, उनकी मेटाबॉलिज्म को, उनकी फिजियोलॉजी को मेंटेन रखना बेसिकली ग्लियल सेल्स का काम होता है। अब ये यहाँ पे ये उनको जो न्यूरल इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं, न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, और वो जो वेस्ट ट्रांसपोर्ट या वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो दूसरे इनटेक नहीं होता या रीअपटेक नहीं होता, ये उसको भी डिफ्यूज़ करते हैं या वेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो बेसिकली दीज आर द पर्पज़ ऑफ ग्लियल सेल्स। हेल्पर सेल्स या स्पोर सेल्स भी इनको कहते हैं, और ये CNS और PNS दोनों में पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स को भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, उनका भी एक एनवायरनमेंट प्रॉपर मेंटेन करके रखना होता है। सो ऑल दैट वर्किंग इज इन द हैंड्स ऑफ ग्लियल सेल्स। अब ये ग्लियल सेल्स भी हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आपको इस पिक्चर में मैं आपको समझाती हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से ग्लियल सेल्स हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन से ग्लियल सेल्स हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको मिलेंगे एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लियल सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स, या फिर इसको हम टेनिसाइट्स भी कहते हैं। एपिडर्मल सेल्स को हम टेनिसाइट्स भी कहते हैं। यही वाले सेम सेल्स हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी आपको मिलेंगे। तो जब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, इनको हम सेटेलाइट सेल्स कहते हैं, फंक्शन सेम होता है दोनों का, ठीक है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एस्ट्रोसाइट्स हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, इन्हीं सेल्स को हम सेटेलाइट सेल्स कहते हैं। इसके अलावा ओलिगोडेंड्रोसाइट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, जब ये PNS या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम इनकी बात करें तो इसको हम शिवान सेल्स कहते हैं, ठीक है। शिवान सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन सेल्स का नाम डिफरेंट है और PNS में इनका नाम डिफरेंट है, और सिर्फ ये दो ही सेल्स हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको मिलेंगे, और बाकी दोनों टाइप्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद नहीं हैं। तो इस लाइन का मकसद यही है कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नहीं होती। ये चारों टाइप्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलेंगी, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जस्ट फर्स्ट टू टाइप्स हैं, लेकिन उनके नाम डिफरेंट हैं बट फंक्शन सेम है। सो नाम क्या है, एस्ट्रोसाइट सेटेलाइट सेल बन जाते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट जो हैं वो शिवान सेल बन जाते हैं। फंक्शंस की बात करें तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट होता है या एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, सेलुलर इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं और जो एक्सेसिव न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको रिमूव करता है। इसके अलावा ये न्यूरल ग्रोथ को भी डायरेक्ट करते हैं और इंड्यूस करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर्स को, और ये काम सिर्फ किसका होता है, एस्ट्रोसाइट्स का, जो होते हैं ना इंड्यूस करना ब्लड ब्रेन बैरियर को, ये सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये लास्ट वाला फंक्शन नहीं होता। इसके बाद है कि क्रिएट मेलानिन शीट। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो ग्लियल सेल्स हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, इनको ओलिगोडेंड्रोसाइट कहा जाता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इनको शिवान सेल्स कहा जाता है। तो बेसिकली इनका मकसद है जो न्यूरॉन्स हैं उनके गिर्द फैटी एसिड्स की लेयर पर डिवेल्प करना, जिसको हम माइलिन शीट भी कहते हैं, सो उसको क्रिएट करने में ये हेल्प करते हैं। माइक्रोग्लियल सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नहीं हैं। अब इनका क्या काम है, दे इम्यून सर्वाइवलेंस एंड फैगोसाइटोसिस, ठीक हो गया। उसके बाद हैं एपिडर्मल सेल्स, जिसको हम टेनिसाइट्स भी कहते हैं, ये क्रिएट करते हैं और सर्कुलेट करते हैं क्या, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कौन प्रोड्यूस करता है, एपिडर्मल सेल्स या टेनिसाइट्स। यहाँ कुछ इस तरह से ये एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, इनका एक बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अब हम कह रहे हैं कि ये क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं। इस पिक्चर में आपको जस्ट दो न्यूरॉन देखने को मिल रहे हैं, एक ये ऊपर है और एक ये नीचे, और ये बाकी सारे ग्लियल सेल्स। सो ये था हमारा आज का टॉपिक।
हमने जो जो की टर्म्स इस चैप्टर में पढ़ी हैं हम उसको एक दफ़ा से रिवाइज कर लेते हैं। की टर्म्स फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में हमने इमेजिंग टेक्निक्स देखी, विच वर द इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम ईईजी, कैट स्कैन, कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी स्कैंस, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, फंक्शनल एमआरआई जिसको हम एफएमआरआई भी कहते हैं, पेट स्कैंस, पॉजिट्रन एमिशन टोमोग्राफी एंड सीटी स्कैन। अगर हम इसके न्यूरॉन्स के फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमने उसमें क्या क्या देखा, नर्वस सिस्टम देखा, सीएनएस, पीएनएस, न्यूरॉन्स, अफेरेंट, इफेरेंट, रिफ्लेक्सेस, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक, ऑटोनॉमिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देखे, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन देखा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम देखा, उसके बाद फ्लाइट एंड फ्लाइट के अलावा हमने रेस्ट एंड डाइजेशन भी देखा था कि वो किसमें लाई करता है। उसके बाद हमने न्यूरो एनाटॉमी देखी किसकी, हाइंड ब्रेन की, जिसमें था सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जिसको हम आरएएस भी कहते हैं या रेटिकुलर फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो उसके बाद पोन्स, मिड ब्रेन में हमने देखे टैक्टम एंड टेगमेंटम, फोर ब्रेन में हमने लिम्बिक सिस्टम देखा जिसमें आता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसके बाद उसमें भी हमने इंटरोग्रेड एमनीशिया देखा, एमिग्डाला, हाइपोथैलेमस, लिटरनल हाइपोथैलेमस, वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस, देन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आती हैं हमारे पास सेंसरी कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, कॉर्पस कैलोजम, पॉल ब्रोका, ब्रोकास एरिया एंड एक्सप्रेसिव अफेजिया, कार्ल वर्निक्स, वर्निक्स एरिया एंड रिसेप्टिव अफेजिया जो इससे रेलिवेंट है। देन हमने रोगर्स पेरी का एक्सपेरिमेंट देखा जिसको हम कह रहे हैं स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स, देन कॉन्ट्रालेटरल प्रोसेसिंग देखी वो क्या है, देन हमने एसोसिएशन एरियाज भी देखे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से रिलेटेड दोज वर अप्रेक्सिया, एग्नोजिया, एलेक्सिया एंड एग्राफिया, फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ओसिपिटल लोब भी हमने देखी। उसके बाद हमने न्यूरल ट्रांसमिशंस भी देखी कि नर्व्स क्या हैं, न्यूरॉन्स क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है, लाइक सोमा क्या है, डेंड्राइट्स क्या है, एक्सॉन क्या काम करते हैं, माइलिन शीट का क्या काम है, नोड्स ऑफ रेनवियर हैं, टर्मिनल बटन्स हैं, साइनैप्स होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, रेस्टिंग एंड एक्टिंग पोटेंशियल्स होते हैं या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं, नर्व इम्पल्सिस क्या होती हैं, एक्साइटेटरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से हैं, उनका फंक्शन क्या है, रीअपटेक क्या है, देन एसिटाइलकोलाइन, डिफरेंट हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स देखे उनके नाम हैं। और उसके बाद हमने एंडोक्राइन सिस्टम में देखा हॉर्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ACTH, एड्रेनल ग्लैंड्स, पाइन प्राइन और पाइन प्राइन, थायराइड ग्लैंड्स एंड थायरॉक्सिन। इसके बाद हमने जो फर्दर रीड किया हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में बिहेवियरल जेनेटिक्स को किस तरह से स्टडी करते हैं, उसमें हमारे पास ट्रेट्स थी, डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ नेचर वर्सेस नेचर डिबेट देखी। तो इसके साथ हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स और ग्लियल सेल्स और उनकी टाइप्स को देखा और यहाँ पर होता है चैप्टर एंड। Please keep watching, keep learning and follow your curiosity. See you in the next one and don't forget to subscribe.